बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सबक है वह इन्नमा उतबरा अलजहलो या वह इन्नमा उतबरा अलजहल फिल मतलूबी। ये मैंने इसलिए इन्नमा तुबरा, अगर ये हम पढ़ेंगे तो यह जहलु पर हम जम्मा पढ़ेंगे, अगर इन्नमा तबरा तो यह जहल पर ज़बर पड़ेंगे, अगर ये मजहूल पड़ेंगे तो यह पर इसको ये नायब फ़ाइल होगा, अगर इसको हम मारूफ पढ़ेंगे तो ये मंसूब होगा और मफ़ूल भी ही बनेगा, और इसमें जो फ़ाइल होगा वो मुसन्निफ़ है, और अगर इसको मजहूल पढ़ेंगे तो इसके लिए नए फ़ाइल फिर अलजहल बनेगा। पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं कि अलइल्म हुसूल सूरत शय फिल अक्ल, और एक तारीफ है इल्म की अल एतिकादुल जाज़िम अल मुताबिक अल साबित, ये तारीफ है। तो अभी दोनों तारीफ़ें जो है ये तो इल्म की तारीफ है, तो जहल की तारीफ, जहल का एक माना है आदम हुसूल सूरत शय फिल अक्ल, और एक माना है अल एतिकाद अल जाज़िम गैर मुताबिक लिल वाक़िअ, एक ये। अगर ये जहल मुराद लिया जाए तो ये कसीम है किसके लिए, कसीम है आलम के लिए, और अगर ये मुराद लिया जाए तो ये क़सम है किसके लिए, इस आलम के लिए, इस माने के कसीम है और इस माने के लिए क़सम है। तो अभी यहाँ पर पिछले सबक में हमने माना मुतय्यन किया था कि यहाँ मंतिक में हम जहाँ पर भी इल्म की तारीफ़ करते हैं तो क्या है तफसीर, किससे, हुसूल सूरत शय फिल अक्ल से किया है, कि हुसूल सूरत शय फिल अक्ल, तो यहाँ पर भी हमने ये माना मुराद लिया कि आदम हुसूल सूरत शय फिल अक्ल, इस जहल से मुराद क्या है, इससे मुराद है आदम हुसूल सूरत शय फिल अक्ल, इसलिए कि पिछले सबक में इल्म से हमने यही मुराद लिया है। तो यह जहल से मुराद क्या है, आदम हुसूल सूरत शय फिल अक्ल। अभी यहाँ पर एतबार किया जहल का मतलूब में, मतलूब में मसलन तरतीब उमूर मालूमा, तरतीब उमूर मालूमत लितअद्दी इलल मतलूब मजहूल, वो मतलूब हो लेकिन वो मतलूब क्या हो, वो मतलूब मजहूल हो। तो जहल का एतबार किया गया किस में, मतलूब में, और ये कहाँ पर किया है, लितअद्दी इलल मजहूल में, यानी तरतीब उमूर मालूमत लितअद्दी इलल मजहूल। तो मजहूल ये मफ़ूल का सीगा है और इसका मादा क्या है, जहल है, जहल। तो यह जहल का एतबार इसलिए किया, इस पर एक एतराज़ वाले द्वारा एतराज़ ये है कि आपने कहा के लितअद्दी इलल मजहूल, ताकि मजहूल तक पहुंच जाए, और तलब मजहूल मुतलक ये सही नहीं है, ये मुहाल है कि आप मजहूल मुतलक को तलब कर दें, जब एक चीज़ आप जानते नहीं है बिल्कुल मजहूल है तो आप किस तरह तलब करेंगे। तो यह मजहूल से मुराद, मजहूल एक के दो किस्में है, एक है मजहूल मुतलक और एक है मजहूल मिन
वजहन, वजहुल मतलब इसको कहते हैं कि आप बिल्कुल इस मार्कर को बिल्कुल जानते नहीं हैं। दूसरी बात यह कि आप इस मार्कर को जानते हैं लेकिन आपको ये पता ना हो कि मार्कर का रंग क्या है, अंदर अंदर लिखाई इस तरह किस तरह है, यानी लिखाई उसकी सफ़ेद है, काली है, लाल है, हरी है, नीली है, किस तरह है। तो आप उसके बारे में अगर पूछेंगे तो मजहूल चीज़ को आप मालूम कर रहे हैं लेकिन एक वजह से आप उसको जानते हैं। तो इस तरह ये है कि मजहूल मिन वजहिन, एक वजह जिस वजह से आप उसको मालूम करना चाहते हैं उस वजह से ये मालूम है, और जिस चीज़ जिस तरफ से आपको मालूम है उस वजह से आप उसको तलब नहीं करते। तो इस वजह से दोनों ख़राबियाँ लाजिम नहीं आती। एक मजहूल मुतलक का तलब करना ये भी लाजिम नहीं आया, तलब मजहूल मुतलक ये भी लाजिम नहीं आया। और अगर इस मजहूल की जगह पर आप मालूम लगा दें, मालूम चीज़ को मालूम करते हैं, तो फिर इस्तेहालते यानी मुहाल आता है, क्या चीज़ इस्तेआलाम मालूम, या पर जो सीन और ता है ये तलब के लिए नहीं है बल्कि इसके लिए ताकीद के लिए है, ये ताकीद के लिए है और तलब के लिए नहीं है। अगर इसको हम तलब के लिए मान लिया जाए सीन और ता को बाबी इस्तेफाल से, तो मालूम चीज़ का तलब करना ये मुहाल नहीं है बल्कि ये क्या है, ये आबस है। मुहाल उस वक्त है जब आप मालूम को मालूम का इलम हासिल करना चाहते हैं, तो इससे क्या लाजिम आता है, इस्तेआलामुल मालूम, मालूम के बारे में जानना, और मालूम के बारे में जानना इससे क्या हासिल होता है, तहसीनुल हासिल है, ये क्या है तहसीनुल हासिल है। और तहसीनुल हासिल और मालूम चीज़ को मालूम करना ये मुहाल है कि एक चीज़ आपको मालूम है तो आप इसको किस तरह मालूम करेंगे, और जो एक चीज़ आपको हासिल है तो आप उसको किस तरह दोबारा हासिल करेंगे, तो उससे तहसील हासिल लाजिम आता है। तो यहाँ पर मजहूल से मुराद, मजहूल से मुराद जो है मजहूल मिन वजहिन है, मजहूल मुतलक नहीं है। और अगर हम मजहूल की जगह पर मालूम लगाएंगे तो उससे आएगा इस्तेआलामुल मालूम यानी मालूम चीज़ का मालूम करना, ये भी मुहाल है, और एक चीज़ हासिल है उसको हासिल करना भी मुहाल है। फिर मतलूब में इलम में हमने कहा था कि उमूर मालूमा, उमूर मालूमा से मुराद हमने लिया था कि चाहे वो तसव्वुर हो या तस्दीक हो, फिर तस्दीक ज़न्नी हो या जहली हो या यकीनी हो, जो भी हो। तो इसी तरह यह पर मजहूल से भी मुराद वो क्या है, वह चाहे तसव्वुर हो, वह हुआ आम, वह हुआ यानी अलजहल हो, आम मिन अयकून तसव्वुरियन, ये जहल तसव्वुरी हो, जो चीज़ मजहूल है वो मजहूल क्या हो, वह हुआ यानी अलमजहूल, आम मिन अयकूना, ये आम है इससे कि ये तसव्वुरी हो या तस्दीक हो, इससे बात नहीं है। और फिर तस्दीकी में से चाहे ज़न्नी से हो, ज़न्नी हो या जहली हो, जो भी हो, व अमल मजहूल तसव्वुरी, तो फिर मजहूल तसव्वुरी को हम हासिल करेंगे, फ़इक्तिसाबुहु मिनल उमूर तसव्वुरिया, मजहूल तसव्वुरी को हम हासिल करेंगे मजहूल तसव्वुरी से, मसलन अल इंसान है तो ये मजहूल तसव्वुरी है, इसको हम हासिल करेंगे इसे हैवान और नातिक से, और जब हम हैवान नातिक से हासिल करेंगे तो मजहूल तसव्वुरी को हमने हासिल किया मालूम तसव्वुरी से। और वह अम्मा मजहूल तस्दीकी, मजहूल तस्दीक को हम हासिल करेंगे मसलन अल आलम हादिसन, इसको हम हासिल करेंगे फ़इक्तिसाबु मिन अल उमूर तस्दीकिया, इसलिए कि अल आलम मुतगैर व कुल मुतगैर हादिसन, हर मुतगैर जो है वो क्या है, हादिस है, अल आलम हादिसन, इसको हम हासिल करते किससे, उमूर तस्दीकिया से। और इस उमूर तस्दीकिया में से ज़न्नी भी दाखिल है, जहली भी दाखिल है, और यकीनी भी दाखिल है, इन सारी किस्में इसमें दाखिल है। अगर मजहूल तस्दीकी हो तो हम हासिल करेंगे मजहूल तस्दीकी से, अगर मजहूल ज़न्नी हो तो उसको हम हासिल कर देंगे मजहूल ज़न्नी से या मुरक्कब से, और यानी एक यकीनी हो एक ज़न्नी हो या दोनों ज़न्नी हो, अगर तस्दीक जहली हो यानी मजहूल जहली तस्दीकी हो तो इसका इक्तिसाब करेंगे उमूर तस्दीकिया जहलिया से या मुरक्कब से, यानी जहली और यकीनी या ज़न्नी और जहली, इससे हम हासिल करेंगे। तो ये है आज का हमारा सबक, इसमें
जहल के बारे में हमने पढ़ा कि जहल का लफ्ज़ क्यों लाया, इसलिए कि उससे क्या वाक़ होता है, मजहूल मुतलक लाजिम आता है और मजहूल मुतलक का तलब करना ये मुहाल है। और अगर इसकी जगह पर हम मालूम लगाएंगे तो उससे मालूम चीज़ का जानना और तहसील हासिल लाजिम आता है और ये दोनों मुहाल है। फिर इसको हासिल करेंगे किससे, अगर तसव्वुर है तो तसव्वुर से, और तस्दीक है तो तस्दीक से हासिल करेंगे। तो ये है आज का हमारा सबक, अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।